उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की और क्षेत्रीय जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आपको बताते चलें कि शास्त्री पार्क फ्लाईओवर को बनाने के लिए सांसद मनोज तिवारी ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन केजरीवाल ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, जिसके चलते सांसद मनोज तिवारी को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया था। बीजेपी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता ने श्रृंखला बनाकर सांसद मनोज तिवारी का अभिवादन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता सांसद मनोज तिवारी का अभिवादन कर रहे हैं और सांसद मनोज तिवारी भी हाथ हिलाकर क्षेत्रीय जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि शास्त्री पार्क फ्लाई ओवर को बनाने के लिए उन्होंने एलजी से परमिशन ली थी और सांसद फंड से ये फ्लाई ओवर बनाया गया था। इस पुल का उद्घाटन किया था जिसमें उनको नहीं बुलाया गया था। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का और पूर्वी दिल्ली जो अनिल वाजपेयी जी का लगा हुआ गांधीनगर विधानसभा है, ये दोनों क्षेत्रों से जो भी लोग आज यहाँ आए हैं और आपने जो काम किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया। मैं अपने दोनों जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी, मास्टर विनोद जी और नमस्ते भैया, नमस्ते, अच्छे से जाइए, सरसराते हुए जाइए। तो हमारे अनिल वाजपेयी जी के क्षेत्र को, अनिल वाजपेयी जी को, कैलाश चंद जैन जी को, प्रवेश शर्मा जी को और जितेंद्र महाजन जी को, इसके साथ साथ हमारे भाई अजय महावर को, जिन्होंने हमें ये सूचित किया अपने जिलाध्यक्षों के साथ कि आज हम लोग आपका धन्यवाद करेंगे। मैंने कहा धन्यवाद किस बात का, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने दिल्ली सरकार की अड़चन के बावजूद हमने आमरण अनशन किया, हमने शास्त्री पार्क का जाम खत्म किया, हमने सीलमपुर फ्लाईओवर को डबल किया। तो एक बार दोनों हाथ उठा के एलजी साहब और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर दो मेरे भाई बहन, जिनकी शक्तियों से हम ये काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्योंकि मुझे याद है वो दिन, मेरे मीडिया के भाई बहन हमें वो दिन याद है जब हम यहाँ पे रात के 11 बज गए, मोदी जी को पता चला कि मेरा सांसद आमरण अनशन पे बैठ गया। मैंने उनको बताया कि आम आदमी पार्टी का एक जो सड़क पर पीडब्ल्यूडी मंत्री है उसने कह दिया है कि मनोज तिवारी अपने फंड से बना ले, हम इसको नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा है तो वही बनाए, आपने कभी इतिहास में ऐसी बात सुनी? और उस समय भी इस क्षेत्र से उस व्यक्ति के पास 9 विधायक थे और ऐसी स्थिति में मुझे याद है वो दिन जब अनिल वाजपेयी ने वो सारा झंझट तोड़ ताड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली थी और आज जब हम इसका समुचित लोकार्पण हो रहा है, हो चुका है, तब हम आपके बीच में आए हैं तो अनिल वाजपेयी जी भी हैं। और ये शास्त्री पार्क फ्लाईओवर है जिसको बनाने के लिए मनोज तिवारी जी ने आमरण अनशन किया और उस कार्यक्रम में सुबह 9 बजे से मनोज तिवारी जी बैठे अनशन पर और रात को 12:30 बजे एलजी का फोन आया था उनको कि भाई आपकी मांगे मंजूर कर ली गई। उनकी मेहनत करने के बाद में, उनके अनशन के बाद में हमें ये फ्लाईओवर बनवाने का मौका मिला। मनोज तिवारी जी ने इसकी बहुत मेहनत की, उन्होंने ही इसका बजट पास कराया था। लेकिन केजरीवाल जी देखते हैं जब भी कि भाई कोई अच्छा काम भाजपा सरकार कर रही है तो वो पहले से पहले वहां पर उसका श्रेय लेने के लिए पहुंच जाते हैं।
इसलिए उन्होंने उससे पहले उसका उद्घाटन कर दिया। ये गलत तरीका है, पब्लिक को पता लगना चाहिए कि काम कौन कर रहा है। मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है, ये फ्लाईओवर उन्हीं की देन है, इसलिए इसका श्री मनोज तिवारी जी को जाना चाहिए। आज क्यों खड़े हैं सब लोग व्हाइट टी शर्ट पहन के, शांति का प्रतीक? ये शांति का प्रतीक है क्योंकि हम लोग शांति के साथ ही ये अपना जो कार्यक्रम कर रहे हैं शांति के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये कार्यक्रम ये जो फ्लाईओवर बना है ये मनोज तिवारी जी की देन है, और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं कि मनोज तिवारी जी ने इतना अच्छा फ्लाईओवर यहाँ की जनता के लिए दिया है। स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं मनोज तिवारी जी का, केजरीवाल जी ने नहीं बुलाया था। हम मनोज तिवारी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी का मतलब ही नहीं है, केजरीवाल जी का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनका ना ही कोई मतलब है। हम मनोज तिवारी जी को का धन्यवाद करना चाहते हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से दो गज दूरी मास्क से जरूरी का स्लोगन अपने कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इस स्लोगन की साफ धज्जियां उड़ाते नजर आए। सांसद मनोज तिवारी ने इस पुल के निर्माण के लिए जाम मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।